सर मैं तो ये मानता हूँ कि मीट कंजम्पशन में ही जानवरों की भलाई है। ऐसा अगर आज कैसे? हम मीट कंजम्पशन करना बंद कर दें, ऐसा कैसे सर? मैं यहाँ यूपी में रहता हूँ, यूपी के अंदर बीफ बैन है, यूपी में बीफ नहीं खा जाता। मैं देखता हूँ गाय कचरा खा रही होती है, ठीक है, कहीं सड़क पे ट्रक के नीचे आ जाती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे अंकल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया गाय के साथ, ठीक है, उनके बच्चे हो जाते हैं मतलब रोड पे ही, वो भी वैसे ही मतलब इधर उधर कर करा के, मतलब गाय को सर प्रॉपर चारा नहीं मिलेगा तो उसका बच्चा दूध कैसे पिएगा, उनके पेट के अंदर प्लास्टिक जमा हो जाती है। इसलिए मेरे अंदर सेंस ये है कि जब से दुनिया बनी है, जब से इंसान ने रहना दुनिया में शुरू किया है, एनिमल्स को एज अ कमोडिटी ही देखा गया है। अगर हम एनिमल्स की कंजम्पशन बंद कर देंगे, उनकी डेयरी यूज करना बंद कर देंगे, तो जो उनकी फाइनेंशियल वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आपने कभी सड़क पे नहीं देखा हो कोई बकरा तलब के मर रहा है या बकरे को प्लास्टिक खाना पड़ रहा हो, आपने कभी देखा सर? नहीं, किसको ना आपने कभी किसी तंदुरुस्त मुर्गे को देखा होगा जो देखा सड़क होगा? पे मर रहा हो, ना आपने कभी किसी भैंस को देखा होगा। आप अगर देखेंगे तो कुत्तों को देखेंगे। आपके फार्म की वीडियो में लगभग 2 साल से देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस आपके गाय के होते हैं या डॉग्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने एरियाज में डॉग्स को खाया नहीं जाता है, तो उनकी इमोशनल वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं भी कई बार कुत्तों को बिस्कुट खा देता हूँ इंसानियत के नाते, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ लोग पालते भी हैं। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ उसको किसी को मोहब्बत होगी किसी को नहीं होगी कुत्तों से। लेकिन जो गाय या भैंस को जो पाला जाता है वो एक फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए पाला जाता है, क्योंकि तो उनको पालने में जगह लगती है, मेहनत लगती है, खर्चा लगता है, तो उसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। अगर हम इनका मीट कंजम्पशन बंद कर देंगे और इनकी डेयरी यूज करना बंद कर देंगे तो एट द एंड इन्हें मरना ही है, और रोड पर तड़प कर मरेंगे, इनकी केयर नहीं और होगी। आप आपको नहीं लगता अगर हम जानवरों से आए उत्पादों पे निर्भर ही ना रहें तो इन्हें पैदा ही नहीं किया जाएगा? अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लोग चिकन ना खाएं तो मुर्गी कोई पैदा ही नहीं करेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि मुर्गी सड़क पे प्लास्टिक खाती घूमेगी, मानते हैं? नहीं सर, तो वही तो जानवर खत्म हो जाएंगे। दर्द में तो नहीं रहेंगे। बात तो रहम दिली की हो रही थी। अगर हम किसी को पाल के उसको अच्छा जीवन नहीं दे सकते, उसके साथ हमें पता है क्रूरता से पेश आना पड़ेगा, तो ये तो आपकी बात की कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना कि जजमेंट डे वाले दिन हमें जज किया जाएगा हमारी रहम दिली पे।